जैसा है किसी ने लिखा है कि कंगन यहाँ के लोग नहीं पहनते हैं, बोलते हैं कि छुआ जाता है। कंगन रुद्राक्ष का है, छुआता नहीं है, मरता नहीं है। रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। रुद्राक्ष अपने आप में शुद्ध है, शिव का अंश है। ये शिव की आंख से निकली हुई आंसू के बीज से एक फल है जिसका नाम रुद्राक्ष है। ये न मरगी में मरता है, न परसौती में छुआता है, न औरतों के साथ जो धर्म होता है उसमें मरता है। ये अपने आप में शुद्ध होता है। ये हाथ में लगाना चाहिए। शिव से तो मन बनता है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने से आपको फायदा होगा। जब आपका मन कभी कोई गलत सलत शक्ति गंदा डाइन बगडाइन भूत परेत ये सब लगाना चाहेगा और आपके हाथ में रुद्राक्ष होगा, आपका मन नमः शिवाय और दया मांगता होगा, तो ये चार्ज हो जाएगा। आपके बदन को गंदी शक्तियां नहीं छू सकती हैं। ये हम लोगों ने हजारों लोगों को देखा है। जब भी आपको कोई दुख और कष्ट आएगा तो आपके दाने अपने आप फट जाएंगे, यह भी हमने देखा है। तो ये बहुत ही कीमती यंत्र है जो शरीर के साथ रहता है और आपके शरीर में होना चाहिए। रुद्राक्ष कभी मरता नहीं है। ये साफ सुथरा रखना चाहिए। 10 दिन 15 दिन पर धागा बदल देना चाहिए, दाना वही रहे इसका ख्याल रखना चाहिए। आपके शरीर में रुद्राक्ष का बहुत फायदा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, मन को शांत रखता है, मन के विचारों को शिव तक पहुंचाता है, तरंगों को शिव तक धारित करवाता है। इसलिए रुद्राक्ष न मरता है, न छुआता है, न कहीं किसी जगह गलत होता है। यह रुद्राक्ष आपके शरीर में यंत्र के समान होता है। बल्कि यह कहा जाता है कि आप अपने परिवार से कह दीजिए कि मरने के बाद मेरे बदन का जितना गहना है सब खोल लेना, लेकिन रुद्राक्ष मत खोलना, ये मेरे साथ जलने देना, ताकि मेरी आत्मा जो निकले, मन का जो शरीर निकले, उसमें भी रुद्राक्ष का कंगन मेरे हाथ में रहे और आसमान में भी हम महादेव की ओर जाते रहे। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको रखना चाहिए। मगर शिव रुद्राक्ष पहनने से कोई शिव का शिष्य हो जाएगा ऐसी बात नहीं है।